क्वेश्चन ये है कि 8% ऑफ द वोटर्स इन इलेक्शन डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स. इन द इलेक्शन देयर वर ओनली टू कैंडिडेट्स. द विनर बाय ऑब्टेनिंग 48% ऑफ द टोटल वोट्स डिफीटेड इज कंटेस्टेंट बाय 1100 वोट्स. द टोटल नंबर ऑफ वोट्स इन द इलेक्शन, यानी कि हमें कुल वोटर्स का संख्या बताना है. अब कितना वोटर्स ने वोट दिया वो मालूम नहीं है, लेकिन जितना ने भी दिया उसमें 8% वोटर्स जो था उसने वोट ही नहीं दिया. तो मान लेते हैं टोटल कितना था, टोटल था 100%. अब इस 100 में 8% ने तो वोट दिया ही नहीं, तो दिया किसने, 92% ने दिया. अब यहां पर बोला गया है द विनर विनर बाय ऑब्टेनिंग 48% ऑफ द टोटल वोट्स, यानी कि विनर जो निकला दो में उसने 48% पाया किसका, टोटल वोट का, यानी कि 48 डायरेक्ट लिखना है हमें कितना पाया है. द विनर बाय ऑब्टेनिंग 40% टोटल वोट्स डिफीटेड इज कंटेस्टेंट बाय दिस. तो और इतना वोट पाया और इसने 1100 वोट से हरा दिया हारने वाला को. तो 100% वोट में 8% ने नहीं दिया, तो 98% का टोटल वोट पोल्ड हुआ. इसमें 100 में 48% जो वोट मिला वो विनर कैंडिडेट को मिला टोटल वोट का, और उसने 1100 वोट से हरा दिया, यानी कि 92% जो है इसमें तो जीतने वाला का भी तो है ना, हारने वाला का दोनों का है. तो 92 में इसका डिफरेंस कितना होगा, 44 होगा, यानी कि 44% ये मिला लूजर को, हारने वाला को. 48% किसको मिला, जीतने वालों को मिला, विनर को. अब डिफरेंस कितना हो रहा है, 4%. यही 4% क्या है हमारा डिफरेंस, जितना प्रतिशत का है उतना ही तो वोट से जीता ना. तो मुझे क्या निकालना, टोटल टोटल तो मेरा 100 है, कितना बचा किसको, 25, 27,500 वोट टोटल. समझ में आया. तो अभी कौन सा बनाना है मुझे, देखो क्वेश्चन 19, इसको मैं मिटा दूं. बाय द वे यू कैन फाइंड दिस वीडियो ऑन फेसबुक एंड यूट्यूब. ओके, तो ये था हमारा 92 का. अब लेवल थर्ड हम लोग सीख रहे हैं परसेंटेज का. अभी कौन सा सीखा, 99 कितना नंबर का बनाना है मुझे, 100. चलो फर्स्ट क्वेश्चन है. इसमें यहां पर बोला गया है कि दो सक्सेसिव ईयर्स में 175 स्टूडेंट्स एक विद्यालय का एग्जाम अपियर किया है, लेकिन 75% और 60% उनमें से अनुत्तीर्ण हुआ, यानी कि फेल पास हुआ उत्तीर्ण हुआ. तो एवरेज रेट ऑफ पास निकालना है मुझे. तो पहला कितना है, 100 है. नेक्स्ट में कितना है, 75 है. इसमें कितना प्रतिशत पास हुआ, 75% पास, यानी कि 75 ही हो गया इसका परसेंटेज, है कि नहीं. अब इसमें कितना पास हुआ है, इसमें पास हुआ है मेरा 60 पास हुआ है. यही तो बात है, 25 या 75 25, 40, 4 से कितना बच जाएगा, 15. ये कितना हुआ मेरा, ये 45. तो ये मेरा पास हुआ कि नहीं हुआ. अब जोड़ेगा तो कितना होगा इसका, 120. अब मुझे बोला एवरेज रेट ऑफ पास, तो टोटल कितना है इसका, 175 है, है कि नहीं. अब इसको काटो, 25 से कितना बच जाएगा, 7 बार 25 से 4 बार, तो 480 होगा. 480 को 7 से भाग दो, 7×6 42, 7×8 56, यानी कि 4, इतना होगा. समझ में. अभी दूसरा क्वेश्चन कुछ बनाना है तो पूछो, जहां पर बिल्कुल समझ. देखो आंसर पे नहीं जाना, मैं पहले बोल दे रहा हूँ. आई हैव बीन टेलिंग यू द सेम थिंग दैट डोंट गो विद आंसर, गो विद द कंसेप्ट, बिकॉज इफ यू अंडरस्टैंड कंसेप्ट यू कैन सॉल्व एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन. तो बोलो अभी कौन सा सवाल मुझे करना है, 94 का सवाल. चलो ये फोटो कॉपी वाला. अच्छा, इट कॉस्ट 1 rupees टू फोटो कॉपी या सीट ऑफ पेपर, यानी कि एक पेपर को फोटो कॉपी यानी कि जेरोक्स करने पर 1 rupee लगता है. 2% का डिस्काउंट दिया गया उन सभी फोटो कॉपीज पर, 1000 कॉपी, पहले 1000 कॉपी को अगर वो फोटो कॉपी करेगा यानी कि जेरोक्स करेगा
तो 1 रुपये करके लगेगा। उसके बाद 1000 के बाद जितना भी है उसमें 2% का डिस्काउंट, यही बोला है। तो 5000 सीट को जेरस करने के लिए कितना रुपये लगा, यही बोला है। तो टोटल सीट है हमारा 5000 सीट है, इसमें 1000 सीट को तो पक्का 1 रुपये करके देना पड़ेगा, यानी कि ये कितना होगा 1000, इसमें कोई डिस्काउंट नहीं। अब बचा कितना 4000, अब 4000 में 2% करके डिस्काउंट दे रहा है, यानी कि कितना परसेंट देना पड़ेगा मुझे 98% देना पड़ेगा। तो कितना आएगा इसका वैल्यू, कितना है, पहले 1000 ये 2, यानी कि मुझे 4920 रुपये टोटल देना पड़ेगा पैसा। अब देखो कौन सा सवाल है जो मुझे बनाना है, देखो देखो जो भी जिस भी सवाल पर कोई अगर कंफ्यूज लग रहा है, आंसर आ रहा है बट स्टिल यू आर कंफ्यूज, यानी कि वो तुम्हारा क्लियर नहीं है, इसलिए बोल रहा हूं मैं, जहां पर भी थोड़ा भी डाउट लग रहा है तो पूछो। 97 एक एक सवाल को आप लोग करेंगे, चिंता मत कर रहे हैं। 97 चलो 97 का देखो, अ रिडक्शन ऑफ 20% इन द प्राइस ऑफ राइस इनेबल्स अ पर्सन टू बाई 3.5 केजी मोर राइस फॉर 385 रुपीज, यानी कि 385 रुपये में उसको जितना चावल मिलता था, अभी चावल का दाम में जब 20% का रिडक्शन हो यानी कि कमी हुआ तो उसको 3.5 केजी ज्यादा मिला। तो ओरिजिनल प्राइस बोल के बोला है कि प्रत्येक प्रति केजी चावल का पहले दाम कितना था। अब देखिए इस तरह के सवाल को, 385 रुपया इसका टोटल पैसा है, अभी मिल रहा है इसको 3.5 केजी ज्यादा, मोर को प्लस कर दिया मैंने, जब क्या हुआ 20% का कमी हुआ, तो प्रतिशत मतलब क्या होगा, काटो 1/5 है कि नहीं, तो 1/5 पहले मिलता था 5, अभी 1 क्या हुआ इसका कट गया, तो यानी कि 1/3.5 होगा, डायरेक्ट 5 से इसको गुना कर देने से हो जाएगा, तो 5 कितना होगा, अभी इसको कितना मिल रहा है 17.5 केजी, समझ में आया भाई, 20 में 100 कर दो, डायरेक्ट इसी इसको मल्टीप्लाई करने से हो जाएगा 17.5 केजी मिल रहा है, तो पहले कितना मिलता था, ये तो प्रेजेंट है ना, ये प्रेजेंट है, तो पहले कितना मिलता था 17.5 केजी में 3.5 केजी घटा दो, 17.5 केजी में 3.5 केजी घटाएगा तो 14 केजी, यानी कि 14 केजी मिलता था उसको पहले, 14 केजी मिलता था, अभी बोल रहा है कि 385 रुपये में, 385 रुपये में अगर वो 14 केजी चावल खरीदेगा तो कितना रुपया लगेगा 1 केजी का, तो 385 को मैं 14 केजी से भाग कर दूंगा, तो 7×2=14, 7×5=35, 7×5=35, यानी कि 22.5, समझ में नहीं आ रहा था पूछो, डायरेक्ट इसको करो, ये करने का जरूरत नहीं है, 1 होगा तो 5 होगा, जितना बड़ा उसको घटाओ, घटाने के बाद लिखो। देखो किसी भी सवाल को हम लोग जब करते हैं तो आंसर पर बिल्कुल नहीं जाना, क्योंकि ये गलती मैं ऑलरेडी कर चुका हूं, इसीलिए दिस इज माय एक्सपीरियंस एंड आई एम शेयरिंग विद यू, आंसर आ रहा है इसका मतलब तुम बिल्कुल ऐसा मत सोचो कि मैंने सीखा, कंसेप्ट का जगत जब तक नहीं समझेगा बिल्कुल नहीं सीखेगा, तो अगर पूछना है तो पूछो, नहीं है तो हम लोग दूसरा करेंगे, नहीं है चलो ठीक है, तो नहीं।